पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब दो हॉस्टलों के बीच मारामारी होने लगा और मारामारी होने के बाद बमबाजी तक की नौबत आ गई। हालांकि आप देख सकते हैं यही वह जगह है जहां पर कि जैक्सन और इकबाल हॉस्टल के बीच में यहां पर लड़ाई हुई थी, जिसके पश्चात यहां पर काफ़ी दोनों गुट में लड़ाई की गई। लड़ाई के पश्चात यहां पर बम भी फेंका गया है। यह पटना यूनिवर्सिटी है, यह पटना यूनिवर्सिटी का कैंपस है। यहीं पर तकरीबन आधे घंटे पहले की घटना है जहां पर कि कुछ आपसी विवाद को लेकर के दो हॉस्टल में कहासुनी होने के बावजूद बमबाजी का माहौल हो गया। यहां पर अफरा तफरी का माहौल पूरे पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में तब्दील हो गया था। और यहीं पर सेंट्रल SP वैभव शर्मा ने इसकी पुष्टि की है कि हाँ, यहाँ पर ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। और वह वैभव शर्मा सेंट्रल SP क्या कुछ कह रहे हैं, जरा देखें। हाँ, इसका भी इन्फॉर्मेशन मिला है, दो कॉलेजों के बीच में एक बमबारी घटना के बताया जा रहा है। अभी इसकी पुष्टि थानेदार वहाँ गए हुए हैं और हॉस्पिटल में जाकर चेक करेंगे और जो वहाँ पे कंसर्न ऑफिसर थे उनसे भी जानकारी प्राप्त करने के बाद आप लोगों को बताएंगे। कारण क्या है सर? कारण स्पेसिफिकली तब मालूम पड़ेगा जब जाँच शुरू हो जाए। जाहिर सी बात है कि सेंट्रल SP वैभव शर्मा ने बताया है कि पटना यूनिवर्सिटी में कैंपस में दो हॉस्टलों के बीच कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके पश्चात बमबाजी भी हुई है। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें DHT न्यूज़।